नमस्कार, ग्रीडी के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूजलाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं किशोर तिवारी। विस्तार की खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेंगाबाद के चपुआडी में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है मामले की जांच। 100 नंबर पर डायल करने पर पुलिस ने पहुंचाया तत्काल राहत सामग्री। दो दिनों से भूखी रीना देवी को मदद मिलने पर आंखों में छलके आंसू। विधायक द्वारा अधिवक्ता संघ भवन का कराया गया सैनिटाइजेशन, संघ के महासचिव ने विधायक को किया धन्यवाद। चैताडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गंदा पानी हो रहा है सप्लाई, पानी पीने से डायरिया समेत दूसरे बीमारियों का बड़ा खतरा। अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपुआडी में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपुआडी में 22 वर्षीय युवक सूरज कुमार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक युवक मानसिक रूप से बीमार था। युवक बीते कई दिनों से शारीरिक रूप से भी बीमार चल रहा था। रविवार की सुबह घर वालों ने युवक को अपने रूम में फांसी के फंदे में झूलता देखा। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। कोरोना संकट में पुलिस सुरक्षा के साथ ग्रामीणों की मदद कर रही है। सूचना मिलने पर महतोदी पिकेट प्रभारी द्वारा एक जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई गई। मुफसिल थाना क्षेत्र के जामबाट गांव की रीना देवी ने 100 नंबर पर डायल कर अपनी माली हालत की सूचना जैसे ही पुलिस पदाधिकारी को दिया, अपनी से छवि विपरीत पुलिस विभाग के लोग उस गरीब की मदद में जुट गए। गिरिडीह पुलिस की इस मानवता वाले चेहरा देख दो दिनों से भूखी रीना देवी रो पड़ी और मदद पहुंचाने के लिए पुलिस विभाग को धन्यवाद दिया। आलू प्याज सब मिला। कहाँ से मिला? बिकेट से। हाँ, खाएं। क्या नाम हुआ? रीना देवी। वही महतोडी पिकेट प्रभारी राधा श्याम झा ने कहा कि जैसे ही महिला ने सूचना दी तत्काल उसके घर राहत सामग्री भेजा गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विशेष नजर बनाए हुए है, जिसको भी इस तरह की परेशानी होगी तत्काल मदद पहुंचाया जाएगा। आज दिनांक 3/5/2020 को 100 डायल गिरिडीह से सूचना मिला कि रीना देवी को जामबाट का रहने वाली है, जिसे राशन नहीं मिल रहा है और राशन कार्ड में उनका नाम भी अंकित नहीं है। इस संबंध में हम रीना देवी को अपने फोन के माध्यम से सूचना दिए और पिकेट आके उनको 10 किलो चावल, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1/2 किलो दाल का वितरण किए एवं उनके मुखिया दिलीप उपाध्याय को भी सूचना दिए हैं कि इन लोग को चावल का व्यवस्था किया जाए, जिससे इन लोग को खाने पीने का दिक्कत नहीं हो। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिवक्ता संघ भवन को सैनिटाइज किया गया। मौके पर विधायक और संघ के महासचिव मौजूद थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिवक्ता संघ भवन का सैनिटाइज किया गया। विधायक सुदीप कुमार सोनू द्वारा प्रदान की गई वाहनों के जरिए अधिवक्ता संघ भवन समेत कचहरी परिसर आदि जगहों पर RNPL क्लब के युवाओं ने उत्साह के साथ सभी स्थलों का सैनिटाइज किया। मौके पर विधायक सुदीप कुमार सोनू, महासंघ के महासचिव चुन्नूकांत भी मौजूद थे। आज गिरिडीह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुन्नूकांत जी के आग्रह पर हम लोगों ने आज सैनिटाइजेशन का काम बार लाइब्रेरी में शुरू किया है, क्योंकि ये जिले के तमाम लोगों के जुटने की जगह है। इसलिए इस COVID-19 के दौर में संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइज करना आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने 3 गाड़ियां यहां पर लगाई हैं। हमारे साथ RNPL क्लब के लड़के और तमाम हमारे सहयोगी साथी मिलकर सैनिटाइज कर रहे हैं और हमने अनुकान जी को ये आश्वस्त किया है कि हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि प्रतिदिन सुबह के समय में जो गाड़ियां हमारे यहां से निकलेंगी या शाम को जो गाड़ियां निकलेंगी, वो सुबह या शाम जिस समय लाइब्रेरी ऑफ रहेगा उस समय मुख्य जगहों को सैनिटाइज करते हुए रोज जाया करेंगे। हम लोग इस बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करेंगे चुनुकांत जी का कि इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद जब बार
लाइब्रेरी को खोलने की पहल हुई तो सबसे पहले इन्होंने आग्रह करके उसको सैनिटाइज कराया और ये बड़ी अच्छी बात है कि इतनी सजगता से इन्होंने किया। मैं इसके लिए भी इनका धन्यवाद करूँगा। देखिए ये जो वकालत खाना है यहाँ पर पूरे जिले से लोग आते हैं न्यूजीलैंड का ऑफिस ले जाना चाहते हैं और चूँकि लॉकडाउन की वजह से ये पूरी तरह से हम लोगों ने इनको इस बिल्डिंग को सील करके रखा था तो कुछ संभावना ऐसी लग रही है कि शायद सुनवाई न्यायालय में शुरू हो जाए। तो वैसी स्थिति में हमने स्थानीय विधायक दिलीप कुमार सोनी जी को आग्रह किया था, हम धन्यवाद देना चाहेंगे इनको दिल से कि मैंने कल ही इनको आग्रह किया और मेरे पहुंचने के पहले ये स्वयं यहाँ मौजूद थे, इनकी गाड़ियाँ इनके सहयोगी यहाँ आए और पूरे घंटे भर बैठ कर इन्होंने अपनी निगरानी में इसको सैनिटाइज किया है। मैं दिल से इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस पूरे सिस्टम को देख करके भी हमको बहुत अच्छा लगा जो सैनिटाइज का इन्होंने तैयार कराया है। तो जिन लोगों का सहयोग है इसमें, जो कर्मी इसमें काम कर रहे हैं, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी देख रहे हैं उसमें सहयोग है, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और फिर से हम विधायक जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि केवल इस बात के लिए नहीं कि ये वकालत खाना को सैनिटाइज करने के लिए जिस तरह से उपयोगी चीज़ है कि हम समझते हैं पूरे शहर के लिए, पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के लिए और जहाँ जरूरत होगा इसका उपयोग किया जा सकता है। पीटर ब्लॉक परिसर में स्थित भवन में क्वारंटाइन 22 मजदूरों ने सोमवार को क्वारंटाइन अवधि पूरा कर लिया है। इन सभी मजदूरों को पैदल ही मधुपुर घर भेज दिया गया। सासाराम जिले से पैदल मधुपुर अपने गाँव जा रहे 22 मजदूरों को पीटाण पुलिस ने बीते दिनों पीटाण में ही क्वारंटाइन कर दिया था। सभी मजदूरों ने सोमवार को 16 दिनों का क्वारंटाइन अवधि पूरा कर लिया, लेकिन विडंबना यह है कि सभी मजदूरों को पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना कर दिया गया। मजदूरों ने बताया कि सासाराम से पैदल घर जाने के क्रम में पीटाण पुलिस ने कोरोना संक्रमण के संदेह में उन्हें क्वारंटाइन कर दिया था, लेकिन क्वारंटाइन अवधि के बाद शासन प्रशासन ने उनको उसी हालत में छोड़ दिया और फिर सभी मजदूर अपने घर पैदल जाने को मजबूर हैं। सासाराम से पैदल हम लोग आए यहाँ। सासाराम से पैदल पीटाण आया था, कितने दिन में? हम लोग 3-4 दिन से उधर आए हैं, 16 दिन यहाँ पर है। 16 दिन यहीं पे रहा, आज घर जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में वाटर सप्लाई में गंदा पानी मिलने से लोग परेशान हैं। वार्ड पार्षद ने चैतादी स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर शुद्ध पानी सप्लाई की मांग की है। कोरोना संकट के बीच घरों में कैद लोगों को वाटर सप्लाई के जरिए गंदा पानी पहुंचाया जा रहा है। यह समस्या चैताडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सप्लाई होने वाले इलाकों की है। दूषित पानी पीने से लोगों को डायरिया आदि जैसी बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है, जिससे लोग परेशान है। दूषित पानी के सप्लाई की शिकायत मिलने पर वार्ड पार्षद रामचंद्र दास अशोक रजक चैताडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचकर वाटर प्लांट का निरीक्षण किया और वहां मौजूद प्लांट के कर्मियों से जानकारी ली। इस बाबत वार्ड पार्षद ने कहा कि गंदा पानी का सप्लाई होना गंभीर समस्या है, इसकी शिकायत नगर आयुक्त से की जाएगी। 2-4 दिन से पानी जो सप्लाई हो रहा है वो एकदम गंदा है, जो पीने लायक नहीं है, मुंह में लेने से भी गमकता है। दूसरी बात, इसमें क्लोरीन, ब्लीचिंग, एलम, चूना ये सब डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, ये तो ये जांच का विषय है। और रमजान के टाइम में गंदा पानी अगर किसी के घर में जा रहा है, ऐसे भी महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, और शुद्ध पानी अगर नहीं पिएगा तो जनता और मरेगा। और हम तो चाहते हैं शासन प्रशासन से एक बार अच्छी तरह से जाँच हो, पानी के गुणवत्ता की भी जाँच हो और जो भी कमी है इसको पूरा करें। जो अभी पानी हम लोग को मिल रहा है उस पर हम लोग को सूचना मिला कि जो है सो पानी गंदा आ रहा है,
तो हम लोग अब जैसे गंदा आ रहा है पानी, तो गंदा पानी कहाँ पिएगा, जब वहाँ पर अवेलेबल सभी तरह प्रकार का उसको छिड़काव के लिए पाउडर अवेलेबल है, तो वहाँ ठीक से छिड़काव किया जा रहा है कि नहीं, इसलिए हम निरीक्षण करने के लिए आए। लेकिन अभी हमको खुशी के द्वारा मिला कि पानी जो एक दो दिन पड़ा उसके लिए पानी लाल निकल रहा है, तो एक दो दिन पड़ा, बाकी समय में तो नहीं मतलब लाल नहीं निकलना चाहिए, और पानी किसी प्रकार गंदा ना हो, क्योंकि कीड़ा कीटाणु होता है और लोगों का पानी पीने के उपयोग में ला रहा है, और सारे शहर के लोग करीब करीब आधा शहर का लोग इस वाटर ट्रीटमेंट से पानी मिलता है और पीने का काम करता है, और उसको शुद्ध ही जल नहीं मिला, तो फिर उसको हैजा मलेरिया टाइफाइड किसी प्रकार का बीमारी होने का खतरा है। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ के जितने भी यहाँ पर वर्कर लोग हैं उसके द्वारा चाहते हैं कि वो सही सभी समय पर पाउडर छिड़काव करें और पानी को देख मतलब हमेशा मतलब शुद्ध जल देने का काम करें। और हम समस्या यही है कि पानी बहुत गंदा आता है, कीड़ा आता है पानी में, और ये देखिए पानी का सैंपल हम सुबह रखे हैं पानी का सैंपल, और इस तरह का पानी हम जनता को चैताड़ी को पिला रहा है, तो हम यही सब प्रशासन से आग्रह करते हैं कि पानी को मतलब बढ़िया दिया जाए रमजान के महीना में। प्रवासी मजदूरों का जत्था रविवार को गिरिडीह पहुंचा। सर्कस मैदान में सभी को सिविल सर्जन द्वारा होम क्वारंटाइन का निर्देश देकर घर रवाना किया गया। प्रवासी मजदूरों का 100 का जत्था रविवार को गिरिडीह झंडा मैदान पहुंचा। इस दौरान सिविल सर्जन अवधेश सिन्हा ने प्रवासी मजदूरों को कोरोना संक्रमण को देखते हुए 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रखने का निर्देश दिया। मौके पर सीओ रविंद्र सिन्हा, डीएसओ सुदेश कुमार भी मौजूद थे। ये जितने मजदूर आप जो देख रहे हैं डिस्टेंस करके जो बैठे हुए हैं, ये सभी मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं, कोई रायगढ़ के हैं, कोई हैदराबाद के हैं, सभी लोग गुमला में आए हुए थे। गुमला के प्रशासन के द्वारा वो सब गिरिडीह जिला के हैं, तो वहाँ के प्रशासन के द्वारा 3 गाड़ी 4 गाड़ी करके करीब 150 के आसपास को भेजा गया है जो यहाँ आए हुए। आधा जैसे बगोदर में है तो बगोदर में उतर गए हैं, कुछ डुमरी में है डुमरी में, कुछ डुमरी के यहाँ पर है, और इन लोग को निर्देश दिया गया 14 दिन अपने घर में रहें और डिस्टेंस बना कर रहें, फैमिली मेम्बर से भी दूर रहें और अलग रूम में रहें, ताकि आप में कुछ है भी तो फैले नहीं और किसी को फैलाए नहीं। अगर किसी को तरह से दिक्कत होती है सांस लेने में, फीवर खांसी कुछ भी आ रही है, तो वो सदर अस्पताल आके जांच करा सकते हैं। चाहे ये छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, रायगढ़ के हैं, हैदराबाद से हैं, और सब गिरिडीह जिला के रहने वाले। गिरिडीह जिले में घुसने के पहले बगोदर में मेरे डॉक्टर और वहाँ का टीम के द्वारा स्क्रीनिंग लोग कर लिया गया, सबका नाम पता किस घर के हैं कहाँ गांव है सब लिख लिया गया, ताकि जरूरत पड़े तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमको दिक्कत कितना। विश्व प्रेस दिवस पर सामाजिक कार्यकर्ता उत्कर्ष पांडे के द्वारा मीडिया कर्मियों को गमछा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। विश्व प्रेस दिवस पर सामाजिक कार्यकर्ता उत्कर्ष पांडे द्वारा मीडिया कर्मियों को गमछा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। मौके पर उत्कर्ष पांडे ने कहा कि कोरोना संकट में भी प्रेस के सदस्य तत्परता के साथ अपने कार्य में जुटे हुए हैं, सरकार को कोरोना योद्धा के तरह इनका भी बीमा करवाना चाहिए। प्रेस दिवस के अवसर पर हम युवाओं द्वारा एक पहल किया गया, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं को भगवा गमछा देकर सम्मानित किया गया। हम लोग निरंतर 22 तारीख से जब से जनता कर्फ्यू लागू हुआ है उसके बाद से ही समाज में अपने गिरिडीह नगर निगम के क्षेत्र के अंदर जितने भी पुलिस कर्मी हैं सभी को खाद्य सामग्री भी बांट रहे हैं अपने खुद के पॉकेट मनी से। आज उसी कड़ी में हम लोग सम्मान समारोह का भी आयोजन किए। धन्यवाद। आज पत्रकार दिवस के अवसर पर हम गिरिडीह के युवाओं के द्वारा पत्रकारों को सम्मानित करने का एक कार्य किया गया, जिससे सबसे पहले कि पत्रकार लोग के माध्यम से हम लोग घर बैठे अभी इस कोरोना के संकट से घर बैठे सब जानकारी प्राप्त हो रही है। कोरोना वॉरियर्स को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। पुलिस जितने पुलिस पदाधिकारी हमारे सेवा में लगे हुए हैं, गिरिडीह को बचाने के लिए लगे हुए हैं, उनको जाकर हम लोग पानी बिस्किट इत्यादि पहुँचा रहे हैं इस धूप में। हमारे शहर के युवा साथियों द्वारा आज विश्व प्रेस दिवस के मौके पर जो हमारे पत्रकार भाई हैं, हमारे सहकर्मी हैं, उन लोगों को आज सम्मानित किया गया। मैं आज इस प्रेस दिवस के बीच में आज आप लोगों से अपील करता हूं कि अपने घरों में रहें, और ख़ास तौर पर केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर, उसको अच्छे तरह से फॉलो करें। 1.5 माह से मधुबन में फंसे तीर्थयात्रियों को आज अपने घरों के लिए रवाना किया गया। बता दें कि 1.5 माह पूर्व से ही कई तीर्थयात्री जो पारसनाथ का दर्शन करने के लिए आए थे वो मधुबन में फंसे हुए थे। कल न्यूज़ लाइन ने प्रमुखता से खबर चलाई थी
कि अलग अलग राज्यों से कई लोग मधुबन में फंसे हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए आज सभी यात्रियों का स्वास्थ्य जांच करवाने के बाद उन्हें अपने राज्यों के लिए रवाना किया, जिसमें 70 यात्रियों को आज कर्नाटक व महाराष्ट्र के लिए रवाना किया गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर रखी है कि मजदूर, छात्र व अन्य लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें सकुशल अपने राज्यों तक पहुंचाया जाए व उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जाए। सभी यात्रियों के चेहरे पर आज खुशी नजर आ रही थी अपने घर जाने को लेकर। टीवी पर महाराष्ट्र से, कर्नाटक से और अन्य प्रदेश से आए हुए यात्रियों के संदर्भ में जो समाचार चैनल पर चलाया गया, उससे जिला प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए यात्रियों को जाने के लिए ई पास की व्यवस्था की है। हम जिला प्रशासन, उपायुक्त महोदय, एसपी साहब, डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ पीटण, सीओ पीटण और उनकी पूरी टीम, चिकित्सा पदाधिकारी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि उनके खबर का असर हुआ और आज ये सारे लोग खुश माहौल में हैं। एक उत्सव के तरह वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी लोगों का मेडिकल चेकअप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चालू है और वो पूरी व्यवस्था के साथ में अपने गांव को जा रहे हैं। यात्री आए, ठहरे हैं, हम तो सब सुविधा की है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो दिल्ली का प्रशासन है, पुलिस हो, स्वच्छता विभाग हो, सीओ हो, बाद में वीडियो हो, अंचल अधिकारी हो, आदि भी सब लोग, जितने अधिकारी लोग हैं, उनने सब ने हमको बहुत अच्छा ढंग से कोऑपरेशन दिया है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह था हमारा आज का अंक। फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।